हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ कावासाकी की 2021 निंजा 250 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो जापानीज मार्केट में जो है वो लॉन्च हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो 2021 निंजा 250 है फ्रेंड्स, इसके में किस तरह के जो चेंजेस है वो देखने को मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ जो है वो मैं इंडिया में देखने को मिलने वाली है, इन सारी डिटेल्स के बारे में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो कावासाकी ब्रांड है उसने जापान के अंदर इसी महीने के अंदर जो है वो अपना 2021 निंजा 250 है वो लॉन्च कर दिया है। वहाँ पे हमें जो है ये टू कलर ऑप्शंस में जो है वो देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर जो फर्स्ट कलर ऑप्शन है वो हमें मेटालिक कार्बन ग्रे और जो सेकंड कलर ऑप्शन है वो हमें KRT एडिशन में जो है वो देखने को मिलेगा। और जो कावासाकी ब्रांड है वो निंजा 250 के अंदर हमें कुछ सर्वर ऑप्शनल एसेसरीज भी जो है वो देने वाली है, जैसे कि ब्रांड इसके अंदर हमें रियर सीट, काउल, लार्ज विंडशील्ड, DC पावर सॉकेट और रेडिएटर स्क्रीन जैसे एसेसरीज भी जो है वो हम इस बाइक के साथ जो है वो देखने को मिलेगी। और जो 2021 मॉडल है फ्रेंड, इसके अंदर हमें ट्विन पॉड LED हेडलाइट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मस्कुलर डिज़ाइन, फेयरिंग इंटीग्रेटेड फ्रंट ब्लिंकर्स, स्प्लिट स्टाइल सैडल जैसे फीचर्स भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स और रियर में हमें इसके मोनोक्स सस्पेंशन। और ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर हमें पेटल टाइप डिस्क ब्रेक भी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर में फ्रंट में हमें 300 mm के फ्रंट डिस्क और रियर में हमें 220 mm के रियर डिस्क जो है वो देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर ABS जो है वो हमें स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। और अब मैं बात करने वाला हूँ इस बाइक के इंजन ऑप्शन के बारे में। तो जो 2021 निंजा 250 है फ्रेंड, ये हमें 248cc पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन के साथ जो है वो देखने को मिलने वाले है। और आउटपुट के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर 36.2 BHP का पावर, जो हमें 12,500 RPM पे एंड 23 Nm का जो पीक टॉर्क है वो हमें 10,000 RPM पे जो है वो देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शन जो है वो हमें 6-speed गियर बॉक्स के साथ स्लीपर और असिस्ट क्लच फंक्शन भी जो है वो हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। और फिलहाल जो बाइक के अंदर फ्रेंड हमें इतने ही चेंजेस देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और फिर इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।